मैं तो भूल गया था, मैंने पैकिंग ही नहीं अपने की हुई, हमने तो जल्दी अभी कराची यार निकलना है। मतलब कि आप फुल इस टाइम जो है ना, वो क्यों 5 बजे की हमारी जो फ्लाइट है और अभी 4:45 हो रहे हैं और हमें कोई पता नहीं कि हमारी फ्लाइट होती भी है या नहीं होती। वही हुआ जिसका डर था, फ्लाइट हमारी मिस हो गई क्योंकि हम लोग बिल्कुल 5 मिनट पे हम लोग पहुंचे हैं। मान भी मैंने जो अभी सुना है वो डॉक्टर साहब से कि आपने आज सलील कर दी है। और सबसे बड़ी बात, मजे की बात, यहाँ पे होने वाला है गिव अवे और वो भी 5 लैपटॉप्स 5 मोटरसाइकिल 5 मोटरबाइक्स का। ये होते हैं असल दोस्त जो इतनी जहरा गर्मी में खड़ा होके आपका वेट करें कि हम साथ जुमा पढ़ने जाएंगे। नमी मेरी जान, क्या हाल है? ठीक ठाक हो नमी? सॉरी आपको मैंने धूप में वेट करवाया, मैंने कहा कि तू रोक काम है आपका कि जुम्मा जो है कि रोज होता नमी की हो गए नहीं, हर जुम्मे बोलो, रोजाना नहीं है। अच्छा भाई, हम लोग जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने, पढ़ के फिर आप लोगों से आके मिलते हैं। नहीं, रोजाना का भी काम है आपका, पता क्यों? क्यों? आपके घर के बाहर आके आधा आधा घंटा 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 वेट करना। चलो क्या हो गया, तुम भाई के लिए वेट नहीं किया कर सकते? चले बिलती हवा यार, चल भाई। मैं तो भूल गया था, मैंने पैकिंग ही नहीं अपने की हुई, हमने तो जल्दी अभी कराची यार निकलना है। आप लोग को मैं बताता हूँ कि हमने क्यों जाना है। अभी पहले सबसे पहले भाई यार मैं क्यों आ गया, बैग लेना है। अभी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, चाबियां पकड़ो भाई, बैग निकालें जल्दी से। चल भाई चल, ये वाला आ जा बैग, चल 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 इधर पड़ा। चल भाई चल चल, रखो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तो नहाने लगा था, जंगीर साहब बाहर आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरे घर पानी नहीं आ रहा, मैंने आपके घर आके जरा नहाना। मैंने कहा आज सौ बिस्मिल्लाह, आज उनको जरा अंदर लेके आते हैं। चलो निक्या मैं नहाने जा रहा था ऊपर, आपने आपका कर रहा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल भाई बंद हो जाओ, चल 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 जी। मैं जा रहा हूँ यार, फिर मुझे तो जरा याद ही रहा, मैंने अपनी पैकिंग भी नहीं की थी, अभी मैंने जल्दी से अपनी पैकिंग की है, मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है? और या तो आपको मैं कल वहाँ बुला लूँगा या तो 2-3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि हमने वैसे भी तो कराची हमने जाना ही था, तो अभी सीन ये है कि अभी जो हमें वहाँ पे काम है हम उसके लिए जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं। तो बाकी सीन ये, आज का दिन बस गुजार लो, कल या तो मैं तुम्हें जो है वहाँ बुला लूँगा या तो फिर मैं खुद आ जाऊँगा 2 दिन बाद, ठीक है? रह लोगी, आ जाओगी अकेली अगर कल आना हुआ तो? जहाज में आ जाओगी अकेली यार, आ जाओगी इस तरह पक्की बात है ना? चलो ठीक है, ओके चल 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 चल। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, सब खैरियत है? भाई से अभी मैं ये सलाम नहीं करूंगा, बल्कि ये कर लेते हैं सलाम अलैकुम, क्योंकि ठीक ठाक हो। क्यों सलाम नहीं करोगे, क्या हुआ? क्योंकि अभी आप जो डेथ प्रेशर जो है ना, आप बने हुए अभी इस टाइम जिस तरह की मलूस शक्ल है उस तरह की मलूस है, मतलब कि आप फुल इस टाइम जो है वो बताओ ना क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, वो इसलिए जो हुआ है क्योंकि आज थी हमारी जो है कराची की फ्लाइट और वो बहुत टाइम पे आई है। यार मैं जरा बात कर लो, वो जो है फ्लाइट टाइम पे आई है, हम लेट निकले, हमने थी जाना सीधा सीधा, इशारा अगर बंद हो जाएगा कोई बात नहीं है। यार मैं मान भी जरा कर लो, मैं जरा व्लॉग 2 मिनट आपके लिए छाड़ी जुबान में ताला ला दियो थाने ताडे व्लॉग में, और की जरा खामोश हो जा रहे, इसीलिए कह रहा था कि 1 मिनट के लिए बंद कर दो यार, कर कर कर। अच्छा अच्छा भैया, सीन कुछ है ऐसा है कि आज है हमारी कराची की फ्लाइट और यार वो जो है ना इसलिए हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि जरा थोड़े से हम लोग चारों जो है ना जरा अपने अपने कामों में थे, बरसा भी जो है स्लीपिंग मोड में थे और हैदर का जो पेपर था, इसलिए हम लोग सारे जो लेट हो गए, जिसकी वजह से 5 बजे की हमारी जो फ्लाइट है और अभी 4:45 हो रहे हैं और हमें कोई पता नहीं कि हमारी फ्लाइट होती भी है या नहीं होती। मुझे तो जो है यही फील हो रहा है कि शायद हमारी फ्लाइट मिस हो जाए। क्यों भाई लानत दे रहे थे? क्यों सबसे ज्यादा लेट इस बंदे ने यार कराया है, बताओ जरा, सारे वेट जो है ना यार कर रहे थे जावांगे ऐसे फ्लाइट, मैं तो एयरपोर्ट तक फ्लाइट चला देना अच्छा यार चलो भाई जाए खैर से जाए, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे, फिर उसके बाद आप लोग से नेक्स्ट बात करते हैं। जल्दी चलो 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। 5 बजने में सिर्फ और सिर्फ जो 7 मिनट रह गए हैं और 7 मिनट बाद हमारी जो फ्लाइट का डिपार्चर है, जल्दी से जो है अपनी बोर्डिंग करा लें, फिर उसके बाद आप लोगों को ज्यादा में बैठ के जाने मिलते हैं। मान की चेकिंग हो रही है। 1 hour later।
चलो जी, वही हुआ जिसका डर था, फ्लाइट हमारी मिस हो गई क्योंकि हम लोग बिल्कुल 5 मिनट पे जो हम लोग पहुंचे हैं और जाके बोर्डिंग गेट पे जो हम लोग जब पहुंचे हैं यहाँ पे सामने काउंटर पे, तो वो कहते कि जी फ्लाइट हैज टेकन ऑफ। मैंने कहा कि जी ओके, नहीं फ्लाइट टेक ऑफ नहीं थी, वो हो गई भी थी। हाँ वही गेट का लोट है, बाप का जा रहे हैं को 5 मिनट पहले। हाँ जी, तो यही तो बात है ना फिर। तो अभी हम लोग सारे यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और ये हमने कोई खाने पीने का सामान ली क्योंकि नाश्ता खाना किसी ने भी नहीं जो है किया हुआ, तो सबको भूख लगी हुई थी। और ये जरा चेक करो, आधे लोग यहाँ पर जो ना सोए हुए हैं, ये देखो पैदल भी सो रहा है। ये चेक करो इसको, ये चेक करो, वही ये देखो सारे जो है ना सोए। ब्रो हैव सम पेट पूजा, चलो जी बिस्मिल्लाह, खाओ 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 खाओ, खा ले मेरा भाई खा ले ऐसे। चलो जी जा रहे हैं ऊपर, कैसे बोर्डिंग फाइनली हमें जो है ना मिल गई है और फ्लाइट अब हमारी हुई है 10:00 की, तो बोर्डिंग शूटिंग अभी जो है करवा के हम ऊपर जो है ना बैठने जा रहे हैं लाउंज में। अच्छा जी फाइनली हम लोग जो है बोर्डिंग शूटिंग अपनी करवा के सारे ऊपर जो है लाउंज में आके जो है बैठ गए हैं। माजी जो है उधर अपना दूसरे वाले जो है साइड पे हैं और हम सारे बॉयज़ यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा यहाँ पे एक हमारे भाई होते हैं, उनका ये चैनल है शाजिया के टोटके, तो आप सब लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि इसको जाके आप लोग जो सब्सक्राइब करें और जितना आप लोग उसको प्यार दिखा सकते हैं वो आप लोग दिखाएं। थैंक यू। अब बस नेक्स्ट जब फ्लाइट का टाइम होता तो फिर अंदर जब प्लेन में बैठ के आप लोगों से मिलते हैं। ओके आंटी, माजी बेस्ट है, ठीक है, ओके बैठ सा। हाँ जी ओके, मान साहब से पूछो ओके। फाइनली वी आर रेडी टू टेक ऑफ, घर से जो है यहाँ से टेक ऑफ करें, फिर उसके बाद खाना चला करें, वो वी आर लग रही है, वहाँ पहुँच के लैंड होके फिर आपस से नेक्स्ट बात करते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह खाना आ गया है और चेक करते हैं कि जी इसमें क्या है। सबसे पहले ओए खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा, ओए हो बारबेक्यू है साथ। और ये क्या है जी इसमें, है मटर आ गए तो ओके, चावल एंड सालन खाओ जी। ओके खाना सही है, ओके है, बेहतरीन है। मज़ेदार है। खाना खा के सारे ही जो है ना ऐसे सोए हैं, पता नहीं जाना घर में ये लोग सो रहे हैं। मैं जरा नहीं, क्या मैं जरा नहीं सोया, मैं जरा नहीं सोया, तो आप भी जो है ना सो जाओ, अब तो लैंड होने वाले हैं, आप लोग सो जाओ। हाँ जी फाइनली लैंड हो गई हैं, बस अब निकलते हैं बाहर, बाहर जाके देखते हैं कि जी कौन पिक करना है और कौन नहीं। सीधा पहुँचते हैं क्योंकि थक बहुत ज़्यादा यार गई है, 5 घंटे एयरपोर्ट पर बैठ के जो है ना वाट लग गई यार। मान भी मैंने जो है अभी सुना है वो अर साहब से कि आपने यार सलील कर दी है। जी भाई हैं, आप तो इतना यार डरते हो यार, सीरियस यार। और कुछ यार मान भी जहाज में जब बैठ के इतना कौन यार डरता है। 10-15 बार जहाज में बैठा हूँ, पासपोर्ट ना आपके पास, ना आईडी कार्ड जो आपके पास, तो मैं 10-15 बार जब बैठा हूँ मुझे लाहौर में रहने के लिए कार्ड नहीं है मेरे पास, तो वो लाहौर में क्या जा है आप देखिए मांडोगर के जहाज में रहते हो फ्लाइट पे आए जो भाई के व्लॉग में मांडोगर की पावर देखी है, पर झूठी एक्टिंग की है। हां हां तो फिर थोड़ा बार बार नहीं हमने शॉट देने बहुत, ये जो है ना झूठा बनता है, कोई हाल नहीं मान रही यार। अच्छा यार सामान के बाद जो वेट हो रहा है, सामान जो आज उसके पास सामान लेते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। आई थिंक प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ जो है सारी खड़ी हुई हैं, फिर निकलते सीधे गवर्नर हाउस पहुँच के आप लोग से मिलते हैं। अच्छा भाई एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है, आज फिर निकलते हैं खैर से। चलो भाई जी फाइनली हम लोग जब पहुंच गए हैं सेंट गवर्नर के हाउस और अभी इस हम लोग आए हैं मीटअप वाली जगह पे जहाँ पे हमारा मीटअप होना है। खैर से ये है जी मेन उसकी एंट्रेंस, सारी सेंट गवर्नर हाउस ये अपने बॉयज़ खड़े हैं और ये सारी वो जगह है जहाँ पे होना है आप लोगों के भाई का, भाइयों का मीटअप। क्या कहते हो सही है जगह, बेहतरीन है। चलो ये SSB व्लॉग्स रजब फैमिली सारे आएंगे, आप टेंशन ना लो, इंशाल्लाह
गिव अवे भी हो रहा है। मान डोगर के जितने फैन है ना, मान डोगर के जितने फैन है, अगर आप मान डोगर से प्यार करते हो तो गवर्नर हाउस शाम 7 बजे पहुंच जाना संडे के दिन। संडे के दिन। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, मजे की बात, यहाँ पे होने वाला है गिव अवे, और वो भी है जैसा बताओ, 5 लैपटॉप्स, 5 मोटरसाइकिल, 5 मोटरबाइक्स, 10 चीजें मुझे गिव अवे हो रही है। मैं कहता हूँ आपने ये वाला चांस मिस नहीं करना, लाजमी आपने आना है ताकि आप लोग जो मौका जीत सको। अगर आप लोगों को लैपटॉप चाहिए आप लोग लैपटॉप लो, अगर आप लोगों को बाइक चाहिए तो आप लोग बाइक भी यहाँ से जीत सकते हो। चाहिए नहीं, जीतेंगे वो। जीतेंगे भाई जान, जीतेंगे। अगर आप लोगों को सारा कुछ चाहिए आप लोगों ने आना है यहाँ पे, और आप लोगों को पूरा यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम, चाय पानी का सारा कुछ आप लोगों को मिलेगी आपको। गवर्नर हाउस में पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा, इज्जत मिलेगी आपको इंशाल्लाह। जिसके नसीब में मोटरसाइकिल हुई, जिसके नसीब में लैपटॉप हुआ, वो अपना ले जाए, नसीब अपना अपना। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा भाईजान, और ये मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे आप लोगों ने अपना साबित कर दिया कि आप लोग पक्की जे रजा फैमिली हो, मेरे से जो लोग प्यार करते हैं, मान से, जंगी से, हैदर से, यहाँ पे अगर आप लोग सारे जमा हो गए ना, तो बस भाईजान एंड हो जाएगा। चलो जी, चलो जी, चलो चलो चलो। अच्छा भाई, तो फाइनली हमने मीटअप की जगह वगैरह सारा वेन्यू हम लोग जो देख के आ गए हैं, और अब हमें भूख भी सबको जो लगी हुई है, थकी भी बहुत ज्यादा। तुझे तो फ्लाइट में भी लगी हुई भूख, फ्लाइट के अंदर भी भूख लगी, तुमने दो बंदों का खाना खाया और अपना भी। और मान का उसने जो खाया है भाई, जंगीत ने खाया, मैंने नहीं खाया, क्या हो गया आपको? नहीं बस हर शहर ने कितना हो गया यार, तो मैंने जो अपना सिर्फ ब्रो, क्योंकि आप ना बोलो बैठी है, अच्छा यार, चलो खाना चाना लग गया, खा लें, फिर उसके बाद आप लोगों को हम अपना रूम टूर भेज देते हैं। चल भाई। अच्छा भाई यार, फाइनली हम लोग खाना चाना खा के फ्री हो गए थे। अब मैं आप लोगों को जो है खाता हूँ जिस रूम में हम यहाँ पे, जिस कॉटेज कहेंगे या फिर रूम्स या मुझे कहेंगे, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर हाउस के अंदर ये है जी उसका बाहर लाउंज, जहाँ पे जो है हम लोग बैठ चढ़ के आपस में भी भाई हम लोग गप्पे मार रहे थे, यहाँ पे बैठ के हम लोग जो खाना खा रहे थे। एक रूम ये है जहाँ पे माँ जी जी है ऐसे हो रही है, और एक रूम में आपको और दिखाता हूँ जहाँ पे डोकर साहब जनरल लेटरी में है। ये देखो जी मान साहब, सीधे हो गए लेटो की यार, तुझे कर दे रूम सही है? नहीं क्यों, क्या हुआ? सही एसी कोई नहीं यार, सही चल रहा है, नॉर्मल है, ओके है, उड़ी नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा रूम है माशाल्लाह यार। अच्छा ना, परफेक्ट है। अच्छा यार, इसकी जो सेटिंग शेटिंग है ना, बस चेक कर ले। ये है जी भैया रूम जहाँ पे हम लोग जो है स्टे कर रहे हैं, और परसों संडे के दिन, बल्कि कल के दिन खैर से है यहाँ पे हमारा मीटअप। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लाजमी आओगे, और लाजमी भैजन आना है, आप लोगों ने यहाँ पे आके सबूत देना है कि आप लोग पक्के हमारे जना फैमिली मेम्बर्स हो। खैर एनीवे, तो ये था आज का हमारा व्लॉग, हम लोग फाइनली रांची पहुँच गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।